हमीरपुर शहर में फुटपाथ बनाए जाने के बाद लोगों को अपने घरों में वाहनों को ले जाना मुश्किलों भरा बना हुआ है, जिसके चलते लोगों के घरों तक कई वाहन तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस बाबत कुछ दिन पहले भी वार्ड नंबर 6 और 7 के निवासियों ने DC को ज्ञापन सौंपकर समस्या हल करने की गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों ने जिला प्रशासन को चेताया कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो लोग मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वहीं पूर्व पार्षद अजय शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, वो एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि PWD विभाग द्वारा वार्ड नंबर 6 और 7 में बनी पार्किंग में जाने के लिए एक रास्ता बना था, लेकिन नादौन चौक से लेकर डांग क्वाली तक बने फुटपाथ के कारण वे रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से घरों और कार्यालयों में बनी पार्किंग बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के बाहर पार्क करने से गाड़ियों के चोरी होने का भी डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भी DC को ज्ञापन सौंपकर समस्या हल करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हो पाई है। उन्होंने उपायुक्त से मांग करते हुए कहा कि उनकी इस समस्या को जल्द हल किया जाए, अन्यथा लोगों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करना पड़ेगा। जो समस्या हमारी आज है, ये हम कुछ दिन पहले एक जो हमारे स्थानीय वार्ड नंबर 7 के लोग हैं, उनके साथ जाकर हमने मुख्य जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं उनको एक समस्या बताई, जिसमें ये जो इनके घरों को जो पार्किंग है वो रोड जो इन्होंने फुटपाथ बनाया उसकी वजह से बंद कर दी है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पिछले 30-20 वर्षों से इनकी पार्किंग चली हुई है और इनके घरों के अंदर 10-10 गाड़ियां अंदर जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक नगर परिषद का जो रोड था उसको तो खोल दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। लेकिन जो इन लोगों की जो घोटा नदौन चौक से लेकर डांगवाड़ी चौक तक जिन लोगों की पार्किंग वार्ड नंबर 7 और 6 में बंद की है, उसकी हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन एक बार फिर हम आज उनसे गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस पार्किंग को खोला जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। इनकी गाड़ियां घरों से बाहर रहती हैं, चोरी होने का डर है और ना पार्किंग है इनके पास, ना अपने घर की पार्किंग होते हुए, और जहां तक हमारे जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या कहीं भी आप देख रहे हैं जो घर का नक्शा पास हो रहा है उसमें पार्किंग ज्यादा जुड़ाई जा रही है, लेकिन यहां हम मूलभूत सुविधा देने के नाम पर लोगों की समस्या पैदा करती है। और जो ये नहीं है शहर को सुंदर बनाने से, हम सब लोग चाहते हैं कि शहर सुंदर बने, लेकिन सुंदरता के साथ साथ लोगों को तंग ना हो। और ये पहली बार देखने में आया कि जो हमारा वार्ड नंबर 7 के और वार्ड नंबर 6 के लोग होटल नदौन चौक से लेकर डांगवाड़ी चौक तक ही ये नया रूल गया कि नक्शा पास है या नहीं है PWD पहली बार मांग रही है, जबकि ये पिछले 20-25 सालों से ये हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। लेकिन एक हमारे भाई साहब यहाँ आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने तो नक्शा भी अपना दे दिया वहाँ पे और उसमें पार्किंग शो की गई है। तो मेरा जिला प्रशासन और PWD विभाग से एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनकी पार्किंग खोली जाए, नहीं तो अन्यथा हमें धरने पर बैठना पड़ेगा। और हम जरूर इसके बाद जिलाधीश महोदय से गुजारिश करेंगे और PWD विभाग के एक्शन साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि इनकी पार्किंग 7 दिन के अंदर खोली जाए। अगर नहीं खोलते हैं तो हमें मजबूरन जो है अपना रास्ता लेने के लिए हमें चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें जिलाधीश महोदय के गेट पर हमें धरना देना पड़े, हम सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ धरना देंगे। जो हमारे से नक्शा मांगा था पार्किंग का, तो हमने PWD और महोदय साहब को भी हमने नक्शा दिया और बाद में उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ कि हमारी 5-10 गाड़ियों की पार्किंग है अंदर में, तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। बहुत इसके लिए आगे क्या रिव्यू ये है कि हम तो एक तरीके से रिक्वेस्ट करके जा रहे हैं, अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई? कार्रवाई यही होगी कि धरना देना पड़ेगा, जब सुनवाई नहीं होती है तो उसका फिर आगे कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। जो फुटपाथ तो हमारी पुरानी बिल्डिंग है और हमने नक्शा पास करवाया और उसमें पार्किंग है और महोदय ने PWD ने नक्शा भी मांगा, बाद में मुंह बंद हो गया क्योंकि गलती उनकी है। जब बन रहा था हमने कहा पार्किंग है तो इसको अब छोड़िए, बोला नहीं DC का ऑर्डर है, हम बंद हो गए, DC का ऑर्डर है तो हम चुप हो गए। इसके साथ कुछ ना कुछ सोचेंगे हमारे लिए, हमने पैसा लगाया हुआ है। आखिरी तो वही है कि अगर हमारी सुनाई नहीं होगी तो हम धरना चक्का जाम कर देंगे।